दोस्तों आईपीएल साल 2023 का सीजन शुरू होने में भी काफ़ी ज़्यादा समय बाकी है, बट उससे पहले मिनी आईपीएल, फिर मिनी ऑक्शन और उससे भी पहले बीबीएल आपको देखने को मिलने वाला है। तो काफ़ी ज़्यादा बिजी रहने वाला है शेड्यूल। वहीं एशिया कप भी काफ़ी नज़दीक आ चुका है, तो सारे लिंक्स, सारे हाइलाइट्स आपको देखने को मिलेंगे फ्री में हमारे टेलीग्राम पर। खैर दोस्तों, बात करेंगे केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के बारे में। और टीम केकेआर की दिन भर में काफ़ी सारी अपडेट्स बाहर निकल कर आ रही है। और रिसेंटली दोस्तों आप सभी को बता दें, टीम केकेआर ने यहाँ पर बनाया था अपना एडीकेआर का स्क्वाड, यानी जो अनाउंस कर दिया था उस पर भी हमने अपडेट डाली थी। सब कुछ आज की वीडियो में और भी अपडेट्स आई है उस पर भी बात करने वाले हैं। एक मज़ेदार अपडेट भी है रविंद्र जडेजा के ऊपर, तो सब कुछ बताने वाले हैं। वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करते हुए देखना आप सब लोग वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक। दोस्तों अगर आप भी हैं आईपीएल के बड़े फैन, तो जल्दी से कर दीजिए हमारी वीडियो को लाइक। इसके अलावा आईपीएल की लेटेस्ट न्यूज़ के साथ अप टू डेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम आईपीएल साल 2023 में डबल धमाका लेकर आएगा। पहले वो आईपीएल में खेलेगा, इसके बाद आपको यूई लीग में भी एडीकेआर देखने को मिलने वाली है। आप कमेंट करके जरूर बताओ एडीकेआर का स्क्वाड जो आपने देखा है कैसा लगा आपको, एडीकेआर का स्क्वाड मजबूत है कमजोर। टॉप अपडेट्स की बात करें, पहली अपडेट आ रही है शुभमन गिल को लेकर। तो यार रिसेंटली जो इंस्टाग्राम पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं या टेलीग्राम पर जो जुड़े हुए हैं, तो उनको हमने पहले ही अपडेट कर दी थी। और दोस्तों इसमें शुभमन गिल ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की थी टीम केकेआर के लिए, और केकेआर भी लाइक सांप को पाल रहे थे। यानी दोस्तों आप सभी को सबसे पहले मैं स्टेटमेंट बता देता हूँ, शुभमन गिल ने एक स्टेटमेंट दी है कि वो बहुत ज़्यादा खुश हुए जब टीम केकेआर ने उनको यहाँ पर रिलीज करने का डिसीजन बनाया। और इसके बाद शुभमन गिल ने खुद ने अपने माइंडसेट से ये वर्क डाउन किया कि वो गुजरात टाइटंस में जाएंगे। इसके बाद गुजरात टाइटंस ने भी उनको ले लिया, और ये सब होने के बाद उन्होंने आईपीएल जीत लिया, जो कि उनके लिए पूरी तरह से एक अच्छा, एक बेस्ट डिसीजन रहा। और उन्होंने बोला कि अगर वो टीम केकेआर में रहते तो वो आगे आने वाले आईपीएल सीजन काफ़ी सारे सीजन जीत नहीं पाते। तो यहाँ दोस्तों हम तो सब सोच रहे थे कि शुभमन गिल के बिना केकेआर नहीं है, केकेआर के बिना शुभमन गिल नहीं है, बट शुभमन गिल तो काफ़ी चतुर निकले और यहाँ पर दूसरी टीम में चले गए। और अब दोस्तों ये आप मान के चलो कि जब तक वो आईपीएल खेलेंगे शायद ही कोई ऐसा टाइम आएगा, अगर उनका बुरा वक्त आया तो ही वो केकेआर में आएंगे, नहीं तो वो आप कभी भी केकेआर में आपको नहीं दिखने वाले हैं। तो ऐसा क्या हो जाता है कि कोई भी प्लेयर टीम केकेआर में नहीं रहने वाला? रॉबिन उथप्पा हो गए, दिनेश कार्तिक हो गए, शुभमन गिल हो गए। आप कमेंट करके जरूर बताओ कि इन प्लेयर्स के साथ क्या एक्चुअल में दिक्कत है या फिर मैनेजमेंट में कुछ गड़बड़ है। अगली अपडेट आ रही है एडीकेआर स्क्वाड को लेकर। यहाँ दोस्तों आप सभी को बता दें कि एक एवरेज केकेआर का स्क्वाड है, और ये सबसे बेस्ट स्क्वाड में आप सभी को कहूंगा। एवरेज स्क्वाड जब भी केकेआर बनाता है तो अच्छी परफॉर्मेंस देता है, जब भी वो बड़े नाम लेकर आता है तो वो परफॉर्मेंस नहीं आती, और कच्चे नाम होते हैं तो वो अंडर कॉन्फिडेंस दिखते हैं। तो ये एक अच्छा स्क्वाड है, ना ज्यादा यहाँ पर एक्साइटमेंट है कि यहाँ पर हमारे पास ये प्लेयर है, ना ही ज्यादा यहाँ पर सैडनेस है कि हमारे पास ये प्लेयर क्यों नहीं है। एक अच्छा ओवरऑल स्क्वाड है, बट दोस्तों अभी भी यहाँ पर कैप्टन कौन होगा इसके ऊपर चर्चा करनी बाकी है। कैप्टन जो अनाउंस होगा वो देखते हैं कौन होगा। बट वहीं आपको बता दें टीकेआर वुमेन्स की टीम के लिए भी कुछ साइनिंग हो चुकी है, जो आप टीकेआर की ऑफिशियल साइट पर जाकर देख सकते हो। तो खैर दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है रविंद्र जडेजा को लेकर। सो दोस्तों टीम केकेआर इनको टारगेट करने वाली, हम वीडियो में पहले ही बता चुके हैं, बट दोस्तों इतना आसान नहीं होने वाला है। केकेआर 101% इनके पीछे जाने वाली है, बट टीम केकेआर में ही क्या आएंगे दोस्तों, आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनके पीछे ऐसी टीमें पड़ी हुई है, खासकर दो टीमें, एक टीम जो पूरी जिंदगी बना देती है और एक टीम जो करियर बिगाड़ देती है। यानी मैं बात कर रहा हूँ पहली टीम मुंबई की, दूसरी टीम आरसीबी की। आप कमेंट करके जरूर बताओ रविंद्र जडेजा कौन सी टीम में जाएंगे आईपीएल साल 2023 के सीजन के लिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना।